रोगन जोश मटर रोगन जोश। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉम्स एंड व्लॉग्स। गाइस आप देख सकते हैं कनिष्क ये रहा मैं आ गया है। एंड गाइस ये है हमारे 2022 की फर्स्ट वीडियो। यस, क्योंकि आज है 1 जनवरी। या तो आप सबको हैप्पी 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 वाला न्यू ईयर। मतलब हमारे लिए तो 31 दिसंबर है, बट जिस दिन आप ये ब्लॉग देखे होंगे तो 1 जनवरी है ना, 2022। या 1 जनवरी 2022। तो आप सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। आप सबके लिए ये साल बहुत 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 अच्छा जाए, हम होप करते हैं, मतलब हम आशा करते हैं ये साल खुशियों भरा जाए और ये हम सबके लिए और आप सबके लिए सबके लिए और ये कोविड और कोविड जल्दी से चला जाए। बस इस कोविड की वजह से तो पूरी दुनिया परेशान हो रखी है। बस अब ये है कि जल्दी से ये खत्म होए और सब अपनी नॉर्मल लाइफ जिए विदाउट मास्क। हाँ, जो न्यू नॉर्मल हुआ है वो हटी जाए लाइफ से सबके। और मुझे एक बात बोलनी है दो लोगों से, मतलब एक तो मम्मी से और एक आप सभी से, कि मुझे पता क्या लग रहा है पर्सनली कि ऐसा अभी लग रहा है कि जैसे 2021 जाके 2022 आया है, जो असली बात है। नहीं, मुझे लग रहा है 2020 जाके 2021 आया है, यानी जब आपके हिसाब से अभी 2022 आया है और कल हमारे हिसाब से भी 2022, सॉरी कंफ्यूज नहीं करता, तो 2021 2022 बस इसी में ही है। अभी जो है 2022 आया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी 2021 आया है, मतलब एक साल पीछे चल रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। मिलते आपसे थोड़ी देर में। क्या बोल रहे थे अभी? हेलो गाइस, बोलियो। कम टू चीता, चीता बना दूंगा अभी। बनाओ तो चीता, देखो बनाओ चीता। ये ना हार गया आज गेम में। हाँ वो तो आ रहा है हार, पर मैं एक बार ही राजा बन गया था, एक बार ही, बस दो बार ही बनाओ बस। फिल्म का गाना नहीं आता, मेरा कभी सुना ही नहीं है। छत के छत, मेरा ना दो छत है, एक छत के ऊपर ना मैं आज चढ़ा था। अच्छा, इसके नीचे ना मौत की खाई है। अंकल को बताऊं क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था वो बच्चे को? क्या बोल रहा था ना, सब सुन रहे? क्या बोल रहे थे? मेरे को नहीं पता, वीडियो बंद कर रहा हूँ, बोलो ना, बताओ। तो गाइस ये देखिए कुकर ने क्या कर दिया, यहाँ पे डब्बा भी हो गया, ये भी पूरे दीवार भी, मतलब मम्मी कैसे हुआ? मुझे क्या पता पापा ने किया जो भी किया। हुआ क्या है? लेकिन पापा ने तो कुछ बताया ही होगा, मेरे लिए काम बढ़ा देते। ए, क्या? अरे कुछ नहीं, सीटियाँ आ रही है, वो ओवर ज्यादा पानी डाल दिया होगा पापा ने, वो उसने ऐसी छपा, वो सीटी आई जैसी उसे सारी जगह। तो फिर से ना जाए गाइस, मतलब छोड़ो गाइस। गाइस तो मैंने ना एक दिन जो है ना प्रैक्टिस की अच्छे से, अब देखते हैं कि क्या दिस प्रैक्टिस मेक्स मी परफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। अरे तो साइड में मारना पड़ेगा, मैं अकेले ना, ये देखिए गाइस, वो थोड़ा घूम घूम के यहाँ लग गया, वरना अगर आप ध्यान दोगे ना तो सही हो गया था। ये देखिए गाइस, जो कोने पे जाए जा रहे हैं ना, इस वजह से दिक्कत हो रही है। ये देखिए गाइस, इससे ज्यादा चाहिए क्या, है ना गाइस? देखिए मैंने एक दिन प्रैक्टिस किया और देखिए मैंने कितना अच्छा कर रहा हूँ। तो यही होती है बात कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मम्मी आप इस पे क्या कहना चाहते हो? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स मतलब ये बोलो ना कि आप भी प्रैक्टिस करती रहिए, जिसमें भी आप जो है अच्छे नहीं है वो ही आपकी जो है ताकत बन जाएगी। ये क्यों बोलूं मैं? मम्मी ऐसे लर्निंग दे देनी चाहिए। मैंने अब मैंने दे दी ना, कोई बात नहीं, तो मैं तुझे दूंगी ना लर्निंग। हाँ तो गाइस बस ये कहना चाहूंगा एंड में कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो गाइस ये रहा है ये स्माइली, और स्माइली से देखकर आप पहचान गए होंगे कि जो है आज हम लाए हैं मोमोज। आज हमने मतलब पापा लाए हैं ये चिकन फ्राइड मोमोज। तो मम्मी आप कैसे लगा, आपको कैसे लग रहे हैं? सरप्राइज। जो भी अभी हम अपने इस मोमोज को एंजॉय करते हैं, अभी हम इस मोमोज को एंजॉय कर लेते हैं। तो मम्मी अभी ये जो है गर्म कर रही है रुमाली रोटी, लाए हैं आज हम न्यू ईयर स्पेशल। आज में ये देखिए गाइस फूटा हुआ कुकर, इसके अंदर है रोगन जोश मटर रोगन जोश मटर रोगन जोश।
तो गाइस फाइनली अभी हमारे ये जो है रेडी हो चुका है, ये है तंदूरी रोटी, सॉरी तंदूरी रोटी कह रहा हूँ, तंदूरी रोटी अभी बन रही है, मतलब मम्मी सेक रही है। ये है रुमाली रोटी, साथ में है मटन, और मैं आप सभी को तंदूरी रोटी दिखा दूँ, फिर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी जल्दी मैं खाने के जो है प्रयास करूँ, मतलब खाने ही फैला हूँ। तो ये मम्मी जो है अभी तल रही है तंदूरी रोटी, तल नहीं रही है मम्मी, अभी उसको गर्म कर रही है। तो गाइस अभी मैं ये क्लिप को जल्दी से यहीं पर एंड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे मुंह में बहुत वाटरिंग हो रहा है। हाँ। जल्दी से वीडियो को क्लिप को मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगी। हाँ आप कर देना, कर देना। गाइस अभी कनिष जो है अपना डिनर कर रहा है, डिनर में ऑलरेडी इसे बता दिया है वो क्या खा रहा है, एक बार टेस्ट कर लेते। वैसे मैंने टेस्ट कर लिया है, बट आपको भी तो टेस्ट करके बता दे लाइव, और आपको कह रहे थे, मैंने बस यही बोल रही थी कि हाँ कनिष ने ऑलरेडी बता दिया, अभी आपको टेस्ट करके बताएगा कि इसका टेस्ट कैसा है। अच्छे से पहले एज्यूम करो कि कैसा है, क्या है, क्या नहीं, फिर अपना रिएक्शन दो। देखिए मैंने जो ये रुमाली रोटी है वो गाइस ऑलमोस्ट मैंने एक साल बाद कही है, क्योंकि हम जो है मुझे सबसे ज्यादा पता है क्या पसंद है, तंदूरी रोटी और नान, यही सब पसंद, मतलब नान तंदूरी रोटी लच्छा परांठा यही सब पसंद है, तो बहुत मैं रियर खाता था। अब आज पापा ने कहा, मैंने पापा को बोला था कि तंदूरी रोटी लाओ स्पेशली, हाँ तो पापा लिए, और साथ ही साथ में पापा लिया है तंदूरी रोटी, ये रुमाली रोटी। तो मैंने कहा अरे वाह, मैंने बेटा वो तंदूरी रोटी नहीं है, दूसरी वाली होती है, मोटी रोटी बोलते हैं। अरे मोटी रोटी, तो मैंने कहा पापा को अरे वाह रुमाली रोटी लिया इतने टाइम बाद, मतलब आपने एकदम से सरप्राइज दिए थे। तो फिर उसके बाद अभी जब मैंने ये रुमाली रोटी खाई, मैं बस एक बात बता रहा था आपको मेन, पर अभी जो मैंने रुमाली रोटी खाई, चलिए आते हैं इसके रिव्यू में। अभी जो मैंने ये रुमाली रोटी खाई इसके साथ मटन के साथ, मटन रोगन जोश के साथ जब मैंने ये रुमाली रोटी खाई, तो गाइज मेरी रुमाली रोटी थोड़ी सी मतलब डिफरेंट सी लगी, काफी टाइम बाद खा रहा ना, बट जो टेस्ट था ना गाइज, लेकिन उसके साथ मिला के तो मजा आ गया होगा, मजेदार और स्पाइसी है, लेकिन मुझे स्पाइसी चीजें काफी ज्यादा पसंद है, मतलब स्पाइसी टेस्ट, तो मजा आ गया मेरे लिए तो, बट मम्मी आपके लिए शायद जो ज्यादा स्पाइसी होगा, मेरे लिए होगा। ओहो चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे आज, थोड़ा शेयर लेंगे ऐसे बोलते नहीं खा लेंगे। न्यू ईयर है, न्यू ईयर मना रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और कनिष्क अपना कर रहा है डिनर, एंजॉय।